नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस व भाजपा के बाद अब माकपा ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। माकपा का कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ नगर निगम शिमला के चुनाव में उतर कर लोगों को एक मजबूत विकल्प देने वाले हैं। माकपा ने समरहिल वार्ड नंबर 5 से वीरेंद्र ठाकुर, टूटू से दीक्षा ठाकुर, कृष्णा नगर से अमित कुमार, सांगटी से कपिल देव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने 24 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा चुनाव समिति की बैठक कल देर शाम तक चली है। बैठक में कुल 34 वार्डों के प्रत्याशी तय करने को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन रात 10 बजे तक महज 24 प्रत्याशियों के नाम पर ही सहमति बन पाई है। आपको बता दें कि आज फिर से पार्टी के नेता बैठक करके बाकी बचे 10 वार्डों से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। भाजपा जिन 10 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, उसमें भराड़ी, कैथू, टूटीकंडी, राम बाजार, जाखू, इंजनघर, मलियाना, पंथाघाटी, पटियोग और कलोंग शामिल है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब होटल मैनेजमेंट संस्थानों में बीएससी करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी, यानी अब किसी भी आयु में आप होटल मैनेजमेंट में बीएससी कर सकते हैं। अभ्यर्थी मात्र +2 पास होना चाहिए। पहले सामान्य श्रेणी वाले की आयु 25 जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 28 साल रखी गई थी, लेकिन अब 12वीं के बाद युवा बीएससी होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। होटल मैनेजमेंट संस्थान से डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कोर्स युवा कर सकते हैं। यहाँ शिक्षा लेने वाले छात्रों के कोर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU दिल्ली से मान्यता प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि 23 फरवरी को नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट का JNU के साथ MOU साइन हो चुका है। राजधानी शिमला में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर पर फर्जी डिग्री देकर नौकरी लेने का आरोप लगाया गया है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने 2015 से लेकर 2021 तक स्कूल में नौकरी की है। स्कूल प्रिंसिपल ने इस मामले में ढली थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है और पुलिस ने भी FIR दर्ज कर ली है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि शिक्षक की फिजिकल एजुकेशन की डिग्री फर्जी है। स्कूल प्रबंधन ने अपने स्तर पर मामले की जांच की तो पता चला है कि टीचर की जो डिग्री कॉलेज से दी गई है वो पूरी तरह से फर्जी बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में शराब की सप्लाई के लिए सख्त नियम लागू हो चुके हैं। CCTV कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्रियों को 15 अप्रैल से सप्लाई परमिट नहीं मिलेंगे। कैमरे नहीं लगाने वाली शराब फैक्ट्री प्रदेश में शराब बोतलों की सप्लाई नहीं कर सकती है। तस्करी रोकने के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू कर दिया है। शराब की सप्लाई करने के लिए GPS युक्त वाहनों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए यूरोप और कोरिया से आधुनिक उपकरणों की खरीद भी की गई है। नई व्यवस्था के तहत सूबे के शराब कारखानों से लेकर स्टोर ठेकों तक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बोतलों पर लगे बारकोड को स्कैन कर अब कोई भी शराब की गुणवत्ता को जांच सकेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही नकली शराब का धंधा बंद होने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि विश्व बैंक से पोषित इस योजना पर बीते करीब 3 वर्षों से ट्रायल भी चला हुआ था। कीरतपुर नैरचौक फोरलेन की मूल अलाइनमेंट के लिए किए गए बदलाव में शामिल अफसरों पर अब गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि अलाइनमेंट में किए गए बदलाव की जांच करवाकर इसकी गोपनीय रिपोर्ट 4 अप्रैल को प्रधान सचिव राजस्व को भेज दी गई थी। परियोजना की मूल अलाइनमेंट के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना बड़े स्तर पर इसे बदल दिया था। पर्यावरण मंत्रालय फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के शिकायत पत्र की लगातार सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग रहा था, लेकिन राज्य सरकार मंत्रालय को कोई सहयोग नहीं कर रही थी, जिस पर मंत्रालय ने 2020 में 1818 करोड़ की परियोजना को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया था। इसके बाद परियोजना निदेशक मंडी ने बिलासपुर और मंडी के उपायुक्तों से बदलाव की जांच करने का आग्रह किया है। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के तहत होने वाली पोस्ट कोड 965 JOA IT पेपर लीक मामले में बुधवार को SIT ने हमीरपुर न्यायालय में अनुपूरक चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इससे पूर्व 20 फरवरी को विशेष जांच दल ने इस मामले में न्यायालय में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। उमा आजाद के खिलाफ न्यायालय में मामला चलाने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। सरकार से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी मिलने के चलते न्यायालय में ये अनुपूरक चलान पेश किया गया है।
ऊना जिला के गगरेट क्षेत्र में चिट्टा तस्करी के मामले में हमीरपुर जिला परिषद के उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने अपने बेटे रविंद्र कुमार के पकड़े जाने पर गगरेट व हमीरपुर के विधायक पर राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप लगाते हुए इस घटना को राजनीतिक साजिश करार दिया है। जिला परिषद हमीरपुर के कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि ये उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जबकि उनके बेटे का चिट्टे की तस्करी में कोई हाथ ही नहीं है। दर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बेटे को घर से गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उनके साथ पुलिस के द्वारा बदतमीजी भी की गई है। जिला बिलासपुर में पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश होने के कारण इस बार किसानों का लगभग 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है और 112,700 हेक्टेयर क्षेत्र इफेक्ट भी हो चुका है। पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर इस बार सूखाग्रस्त में पहले नंबर पर है, जिससे किसानों के फसलों का नुकसान हो चुका है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा नुकसान हो चुका है। जिला बिलासपुर की गेहूँ की फसल की पैदावार 4,67,500 क्विंटल की बताई जा रही है, जिसमें इस बार 62,094 क्विंटल फसल का नुकसान आंका गया है। पूर्व शहरी विकास मंत्री और धर्मशाला विधानसभा के विधायक सुधीर शर्मा के आवासीय परिसर में आधा घंटा संदिग्ध ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विधायक ने इसे उनकी सुरक्षा में सेंधमारी और किसी बड़ी साजिश का आरोप लगाकर इसकी शिकायत कांगड़ा पुलिस से की है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा को सौंपे शिकायत पत्र में सुधीर शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम 6:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच उनके रक्कड़ स्थित आवासीय परिसर में एक संदिग्ध ड्रोन को उड़ता हुआ देखा गया है।